बर्फ गिरी है, मैं घर में दाल ढूंढ रहा हूँ का है भाई खाने पकौड़े। बहुत दूर से आते, एक चिकना भी आया है। अभी मैं अचानक से उठा और ऐसे ऐसे करने लग गया, मैं मेरे दांत कहाँ गए। मेरे को उठे हुए 2-3 मिनट हुए हैं और मैं ऐसे खतरनाक सपना देखा जिसमें मेरे सारे दांत ऐसे गिर गए, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। तो अचानक मेरी नींद खुली और मैं दांत ढूंढ रहा हूँ काहे भाई खाए, मैं खाऊंगा कैसे। और इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में दौड़ने लगी, ये सब मैं खाऊंगा कैसे, मेरे दांत ही नहीं है। और भाई है, अभी है और हिल भी नहीं रहे, सही है, थैंक गॉड। कैसे कैसे सपने आते हैं भाई। आज मैं बहुत सारा खाऊंगा, जो जो मिलेगा सब खा लूंगा भाई, वरना बैड बच जाएगी। जान में जान आई, थोड़ी सी धूप निकलती है तो जान में जान आती है। सुबह से अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। पहले सपना आया ऐसे दांत गिर गए और आज अपने छत पे बर्फ गिरी है। मैं दिखाता है आपको, इधर वाली तो गल गई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो जहाँ है वहां दिखाता है। इन फूलों पे भी बर्फ अटकी हुई है थोड़ी थोड़ी, जहाँ था इस पे कम है, उधर भी है। तो इस पे सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, इस पे भी सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, उन पे कम हुई है और इस पे तो हुई नहीं है। इस इलाके में कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी ही छत पे बर्फबारी हुई है। और मौसम देखो, इधर बिल्डिंग हुआ करती थी वो नहीं दिख रही, कुछ ज्यादा ही धुंध है आज। जब सूरज इस टावर से ऊपर होता है तो 10-10:30 बज रहे होते हैं, तो यही टाइम हो रहा होगा, समझ जाओ आप। बर्फबारी की असली वजह यह है, फुली डॉल, पहले तो इसका नाम गैमेक्सिन होता था, वो गैमेक्सिन पाउडर पहले आता था, गैमेक्सिन पाउडर, अब ये फुली डॉल आ रहा है जो कि मैं लेके आया था। मेरे इसे रख देते हैं, बहुत डेंजरस है। मेरे एक आध ब्लॉक में आपने देखा होगा फूलों पे वो जो छोटे छोटे नए नए पत्ते निकलते हैं ना, और फूल निकलने वाले तो उस पर छोटे छोटे कीड़े बैठ जाते हैं और वो बढ़ने नहीं देते और खा जाते हैं, तो इसलिए ये मैं लेके आया, ये बहुत डेंजर है। तो अपन ने ये छिड़क दिया सारे पौधों पे और हाथ वाथ धुल के रेडी है। उसे बच्चों से दूर रखना होता है क्योंकि उसमें पॉइजन होता है जहर, तो जो अंदर जाएगा नुकसान करता है, तो इसलिए इसे हम छत पे रखते हैं, टांग देते हैं। वैसे घर में बच्चे हैं नहीं अभी, तो कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने से गलती हो जाती है कभी कभी। और ये सूरज भैया थोड़ा गर्मी प्रदान कर रहे हैं, उनकी एकदम से कुछ ज्यादा ही तेज हो गए तो आंखों में चौंधा लगने लग गया। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इस पौधे पे सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, मतलब उस पेड़ पौधे पे ज्यादा कीड़े थे तो इसलिए उस पर ज्यादा बर्फ गिरी है। तो आप समझ सकते हो बर्फ का क्या सीन था, तो बस यही था। ये सर्दी नहीं जा रही अभी, अच्छा अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी वीकनेस ही हो गई है। तो खैर छोड़ो, ये इन सब बातों को साइड में रखो। जहर की पुड़िया यहाँ है जहाँ अपने हाथ भी नहीं पहुँचते, तो ये यहीं टंगी रहती है, सेफ साइड, अपन ऐसे निकल जाता है। तो ये है ऊपर, ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट कम लंच ज्यादा, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना ही नहीं। तो ऐसी खा के मैंने दवाई खा ली थी, तो अभी मस्त फुल ओवरलोड करते हैं। दांत का सीन हुआ है जब से, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाए जा रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट पेट भरगा, और कितना खाएंगे भाई, पेट से ज्यादा तो खा ही नहीं पाएंगे। तो अपने पराठे, रोटी और गुड़। A few moments later. तभी पड़ा है गुरुफी से मिलने, और गुरुफी कैसे बैठा है तू, पूरा आतंक मचा के अपने बिस्तर की ऐसी तैसी कर दी है, ऐसे कैसे बैठा है। ओ हैंडशेक, थैंक यू, सो जा ऊपर करके सो, ठंड लग जाएगा, सो जा। तो ग्रुफी अभी सो रहा है, इसे डिस्टर्ब नहीं करने का। कपड़े को बना दिया ग्रुफी के साथ 2-3 रील, वो आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, तो वो आप इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अभी तू सो रहा था, जैसी ग्रुफी बोला तू जग गया है, इधर थे शर्मा रहे तू,
ग्रुफी चलो चलो। ओ हो, एक्टिवेशन एक्टिवेशन कोड एक्टिव, वाह। तो गाइज मैं बहुत दूर से ये पकोड़े खाने आया हूँ और हाय। खा लेता हूँ पहले। तो ये टेस्टिंग के लिए पकोड़ा मिला था मेरे को, जो कि अभी कच्चा है, अभी मैंने बताया। ओए चुप, फाइनल मिर्च भाई, ये मिर्च रख ले विवेक, फाइनल बाद में आएगा। मिर्च रख ले, तू खाता है मिर्च खाया। हाय गाइस, मैं आपको बता दूंगा। तो इस पार्टी में मेरा भाई भी आया पकोड़े खाने, पनीर वाले पकोड़े। बहुत दूर से आया है, इंटरव्यू देने गया था, तो मैं इसे डायरेक्ट उठा लाया। कल फिर बुलाया, तो मैं इसे डायरेक्ट वहां से उठा लाया। मैं चल पकोड़े और चाय खिलाते हैं। मौसम एकदम रंगीन है, बारिश और वाला। बहुत सारे लोग हैं, अभी धीरे धीरे मिलाएंगे। वो रात वाली छतरी भी आई है। तो गाइज हम दोनों के साथ, हमारे साथ एक चिकना भी आया है, ये भी पकोड़े खाने आया है दुकान बंद करके। भाई दुकान बंद हो गई, मार्केट हमारा बंद है। हाँ जी, हाय गाइज। पहले इसे हाय हाय बोल दो। हाय गाइज, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। छतरी जी छतरा फाड़ रही है। तो अपनी चटनी आ गई है, पकौड़े आ रहे हैं। तो ये छतरी जी, ये तो आंख में चला गया। ओए निकाल, कहाँ है, निकल गया। एक और ट्राई, बड़ा वाला ओ दांत टूट गए, कहाँ गया, फिर खा जाएगा साला। ये वही है जिसका हाथ टूटी थी। अरे ओट तोड़ दिए रे। पकौड़े खाएंगे ये। हेलो गाइस, भाई कलरफुल पकौड़े आ गए, कलरफुल पकौड़े आ चुके हैं अपने, बस कलर देखो आप। पूरा रंगारंग कार्यक्रम है पकौड़े खाने का। तो हमारे साथ शामिल है हमारे चिकने भाई साहब और चंद्रवीर भाई साहब और हेलो गाइस, अच्छा हाय गाइस। और हमारी छतरी जी प्लानिंग कर रही है कुछ, तो बाद में आएंगी। गाइस ये आ गई लोटा भर चाय। चीयर्स 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 चीयर्स। हो गया। तो गाइस चाय और पकौड़े खा के मैं पंखे के बराबर तक हो गया। तो बस यही है, चाय पकौड़े खाने में, मतलब चाय पीने में पकौड़े खाने में मजा आ गया। म्यूजिक बहुत तेज है तो अपनी आवाज थोड़ी दब जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, और हाँ लाल बटन दबा के जाना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और